दोस्तों लिटिल गोलू की भी वापसी हो चुकी है। आपने अभी देखा ही होगा, हनी सिंह ने अभी अपना रिटर्न किया। उसी के साथ साथ लिटिल गोलू जो कि उनके साथ ही काम करते थे, उन्हीं की टीम के मेंबर थे, वो भी अब वापस आ चुके हैं। उनकी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आया, उनने खुद का यूट्यूब चैनल बना लिया है और उस पर एक वीडियो आया जो कि टीज़र था, बच्चे ना सुने। और अभी कुछ दिनों पहले ही, 4-5 दिन हुए, उनने फुल सॉन्ग उसके ऊपर रिलीज़ करा है। अभी इनके चैनल पे सिर्फ 2 वीडियोस आई है और इनके 18,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आने वाले टाइम में ये ऑफ़ कोर्स बढ़ने वाले हैं। जिन्हें नहीं पता इनका बैकग्राउंड मैं बता दूं, आपने ये गाना तो ज़रूर सुना होगा, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। इस सॉन्ग में लिटिल गोलू का रैप दिया गया है, स्टारडम वाले सॉन्ग में भी उनका रैप है। ये जो सॉन्ग था वो 2014 का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग में से एक था। 2014 में सबको ये गाना याद रहता था और आज 2023 है, मतलब 9 साल पहले की बातें हो रही हैं। ये ऑफिशियल वीडियो है इसका, देख सकते हो, इसे कहते हैं हिप हॉप। 100 मिलियन व्यूज़ हैं इस पर और 9 साल पुरानी वीडियो है। ये टी सीरीज़ के जो ऑफिशियल पेज है उस पर पड़ी हुई है और ये रिलीज़ हुई थी 2014 में। कमेंट्स में लोगों ने टाइप किया है कि आज भी पूरा लिरिक्स इन्हें याद है और ये सॉन्ग था ही इतना अच्छा। तो इसमें रैप किया था लिटिल गोलू ने हनी सिंह के साथ और उसको काफ़ी पसंद किया गया था उस टाइम में। या आप दोनों की फ़ोटो देख सकते हो साथ में। इसमें एक लाइन बहुत फेमस, बॉर्नविटा ना होता तो फिर दूध का क्या होता, सोचो हनी सिंह पैदा ना हुआ था तो म्यूज़िक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन नहीं होता। उसके बाद स्टारडम वाला सॉन्ग आया था और भी बहुत सारे सॉन्ग्स थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ये लोग गायब हो गए और कभी वापस साथ में कोलैब करते हुए दिखे नहीं। तो लोग चाहते कि ये वापस से कोलैबोरेट करें। सॉन्ग की बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंट रिलीज़ हुआ है, तो बच्चे ना सुने ये सॉन्ग बहुत ही ख़तरनाक है और ये एक डिस ट्रैक है उनके लिए जो कि गोलू के अगेंस्ट बोलते हैं। तो देखो इनमें कुछ लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है कि किसके ऊपर हो सकता है। लोग इसमें बोल रहे हैं कि इसमें बादशाह और रफ्तार के ऊपर मतलब डिस किया गया है, उन्हें डिस किया गया है। और जो व्यूज़ वाली बात है कि व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं उनके ऊपर, उसके उस लाइन पे भी इनने काफ़ी अच्छा रिप्लाई किया अपने रैप में। इसको आप इनके चैनल पे जाके ज़रूर सुन सकते हैं। फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि हनी सिंह और लिटिल गोलू दोनों साथ में कुछ नया लेके ज़रूर आएंगे और इनका कोलैबोरेशन हमें देखने मिलेगा वापस से 9 साल बाद।